So, you know what is management? मैम एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेज किया जाता है सब कुछ, टू अचीव गोल ठीक है, हेल्प्स इन हेल्प्स टू अचीव बिजनेस गोल। में गोल अचीव करने के लिए सारी चीजें मैनेज की जाती है, जैसे कि प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, दीज आर स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग मैम। एग्जैक्टली, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आई एम आस्किंग अबाउट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर चैप्टर नेम इज नेचर एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेस। Part one. So, first of all, management. देखो, किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जितना भी हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे वो सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, राइट? जितना नॉर्मल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं होती है, नॉर्मल लाइफ की बात करें तो वहां भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मींस किसी भी काम को मैनेज करना, टू मैनेज ऑल द थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमम करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, बहुत सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। तो बिना मैनेजमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक लाइफ गोइंग एक्टिविटी है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक लाइफ गोइंग एक्टिविटी है। लाइफ गोइंग एक्टिविटी मीन्स अगर मैनेजमेंट को बिजनेस से निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचता। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट ब्लड क्या होगा? ह्यूमन बॉडी यूजलेस हो गई, राइट? यस मैम। तो वैसे ही मैनेजमेंट को अगर बिजनेस से निकाल देंगे तो बिजनेस यूजलेस हो जाएगा, वो सक्सेस की जगह फेलियर अचीव करेगा। एम आई राइट और नॉट? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं, अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं हमारे घर में तो भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर प्लेग्राउंड की बात करते हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो वहां पे विदाउट मैनेजमेंट क्या कुछ अचीव करना पॉसिबल है? नो मैम, नो। तो प्लेग्राउंड की बात करें, घर की बात करें, स्कूल कॉलेज की बात करें, हमें चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती है। विदाउट मैनेज कुछ भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी मदर को फूड कुक कर रही है किचन में तो वो भी सारी चीजें मैनेज करके चलती है? यस मैम, यस मैम। तो वहां भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए बोला गया कि बिना मैनेजमेंट के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ, अकॉर्डिंग टू कुंट्स एंड ओडनल, आपके पास नोटबुक है तो आप राइट डाउन कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। बुक्स है तो उसमें से रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो जो भी मैं करवा रही हूँ आप नोट डाउन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंट्स एंड मैनेजमेंट एज getting things done through and with people,
मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? किसी काम को करना, चीजें हैपन होती हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, जो हम चाहते हैं वो काम होता है। किसकी हेल्प से? लोगों की हेल्प से। बिजनेस की बात करें तो वो वर्कर्स की हेल्प से सारी चीजों को मैनेज करता है और अपने गिवन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंट्स एंड ऑडोनल। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं कुंट्स एंड ऑडोनल किसी भी राइटर के अकॉर्डिंग, तो वो एज इट इज होनी चाहिए, वो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको राइटर का नेम मेंशन लर्न नहीं है तो आप किसी भी तरीके से अपनी लैंग्वेज में भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नाउ आगे हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैम मेरे पास स्लाइड करना पीछे वाली। वेट। मैम डन। Right, what are the objectives of management? First is, objective ऐसे होते हैं जिसे आप अपने point of view से आप कुछ सोच कर भी लिख सकते हो। Management है तो क्या हो सकता है, ये चीजें creativity में भी आती है। मैं आपसे कुछ points मैं लिखूंगी, कुछ मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। First point हम लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव को हम टू से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं हेल्थ इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, क्या ये ऑब्जेक्टिव है? यस मैम, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये हमें क्या पॉइंट हमें क्या बता रहा है? हेल्प इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी चीज को हम क्या ऑब्जेक्टिव है, हम मैनेजमेंट से क्या अचीव करते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज जो है वो हमें ये नहीं बता रही कि क्या हम अचीव करते हैं, एक तरह से बता रही है। अगर आप इसको टू से स्टार्ट करोगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा ऑब्जेक्टिव, कि ये चीज करने के लिए लाइक टू हेल्प इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब इसका क्या मीनिंग हो गया कि जितने भी रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, टू हेल्प उसमें हेल्प करता है मैनेजमेंट। अब ये चीज क्लियर है आपको? यस मैम। रिसोर्सेस, हाँ जी, किसने बोला अभी? सिमरन, खुशी, आप में से किसी ने बोला? नो मैम। ठीक है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस बहुत तरह के होते हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये चीजें क्या होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है मैनेजर का क्या काम होता है कि इनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे, लैंड को, लेबर को। अगर ये चीजें अंडर यूटिलाइज होंगी, जितनी है उससे कम यूटिलाइज हो रही हैं, तो उसका क्या मीनिंग होगा? ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि कैपिटल तो है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही है, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है, कि एक्स्ट्रा कैपिटल, वेस्ट कैपिटल पड़ी हुई है जिसका कोई भी हमें ऑर्गेनाइजेशन को गेन नहीं हो रहा है। अगर हम, इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, जितने भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं कि वर्कर्स हैं वो खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कैपिटल है ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो उसका कोई यूज नहीं है, लैंड है आधी लैंड ऐसे ही पड़ी हुई है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को लैंड का क्या जाती है, लैंड के लिए ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट जाती है,
जाती है ना, अगर लैंड रेंट पे ली हुई है उसका रेंट जाता है। yes, ma'am. अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। yes, ma'am. तो इसी तरीके से इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू हेल्प इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ रिस्क। आप में से मुझे बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क। मैम जो बिजनेस में रिस्क होते हैं, रिस्क एक तो मैं पूछूं व्हाट इज रिस्क, जैसे कि मैम पैसे लगाए और वो मैम अगर प्रोसेस सही है किसी भी मैनेजमेंट तो रिस्क लॉस होने का रिस्क कम होगा, मतलब चांसेस कम होंगे अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी है। ठीक है आप सही बता रहे हो, लेकिन जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि रिस्क का मीनिंग, आप यही चीज मुझे बता रहे हैं रिस्क कम होगा, यही पूछ रही हूँ कि रिस्क क्या होता है। मैम जोखिम, जो हम बिजनेस में प्रॉफिट के लिए खतरा लेते हैं, मतलब हमने कोई मशीनरी परचेज करी तो हमें उसे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, हमने रिस्क लिया है। एग्जैक्टली चीज ठीक है, रिस्क लिया है। रिस्क का नॉर्मल अगर कोई मीनिंग पूछे, जब आप मीनिंग बताते हो उसमें वो वर्ड नहीं आता नॉर्मली। अगर मैं बात करूँ रिस्क की, मैं हम इसको ये बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। यस मैम, यस मैम, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। यस मैम, दोनों ही ठीक है। यस मैम, अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, तो आप ये बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, वही तो रिस्क है। अगर लॉस की पॉसिबिलिटी ना हो तो रिस्क किस चीज का। या फिर अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, हमें सर्टेन नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा, मींस लॉस भी हो सकता है, दिस इज रिस्क। अगर हमारी चीजें प्रॉपर, हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमारी चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज होंगी तो हमारा जो रिस्क है वो चीज रिड्यूस हो जाएगी। अभी हमने यही बात की थी ना, लेबर लैंड कैपिटल प्रॉपर तरीके से हम फुली यूटिलाइज करेंगे तो हमारा जो रिस्क है कि हमारी ज्यादा फिक्स कॉस्ट जा रही है, हमें प्रॉफिट कम हो रहे हैं, काम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा, हमें प्रॉफिट की जगह लॉसेस सफर हो सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं ना प्रॉपर मैनेजमेंट से। इज दैट क्लियर। तो रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो आप लिख सकते हो टू रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ रिस्क, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट इज टू अट्रैक्ट। द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। अगर हम किसी, अगर आपको हम खुद पे लेके देखते हैं, अगर हमें किसी कंपनी में अप्लाई करना है, अगर वो बहुत अच्छी नेम एंड फेम वाली कंपनी है, हम कहेंगे वहां पे हर चीज सिस्टमैटिक वे में होती है, सिलेक्शन करने का प्रॉपर वे है, चीजों को मैनेज करने का प्रॉपर वे है, सैलरी देने का प्रॉपर वे है, तो हम उस कंपनी में जाना प्रेफर करेंगे। yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यानी कि कोई भी बेस्ट कैंडिडेट होगा तो उसे अट्रैक्ट करने भी में भी मैनेजमेंट हेल्पफुल है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Next point is availability of goods and services in time. जितनी, या हम इसको अगर टू से पॉइंट आउट करना है तो आप इसको लिख सकते हो टू अवेल द गुड्स एंड सर्विसेज इन टाइम। अगर हम चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके, राइट। और सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज में आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज इंक्लूड होती है। यस मैम, यस मैम। बिजनेस की बात करें तो गुड्स का प्रोडक्शन भी होता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से मैनेज होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जिस टाइम पे प्रोड्यूस करना है वो टाइम पे प्रोड्यूस करना है कर रहा है, जिस टाइम पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसे टाइम पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो वो प्रॉपर टाइम पे अपना रॉ मटेरियल लेगा भी सही और कस्टमर तक पहुंचाएगा भी सही। तो गुड्स एंड सर्विसेज को हम टाइम पर अवेल कर सकते हैं और कस्टमर तक प्रोवाइड भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. With the help of management only. So management is very important from various point of view. Next point is
to ensure business development. बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है. यस मैम. यस मैम. बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस की पोटेंशियल तभी डेवलप हो सकती है जब बिजनेस सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा हो. क्योंकि एक बड़ा बिजनेस है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. यस मैम. फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है. तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट होती है. और सब जब सब सारे डिपार्टमेंट में प्रॉपर हर काम, हर एक्टिविटी मैनेज होकर चलेगी तो बिजनेस की डेवलपमेंट भी पॉसिबल है. क्योंकि एम्प्लॉई वहां पर सेटिस्फाई फील करते हैं, एम्प्लॉई सेटिस्फाई फील है तो वो 100% फुल कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछती हूँ, तो आपको उस चीज को मुझे बताना है. मैं यहाँ पे कस्टमर की बात कर रही हूँ. कस्टमर या कंज्यूमर को ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. सो मुझे एक चीज बताइए, व्हाट कस्टमर या कंज्यूमर, हम कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम है? सेम मैम. सेम है. आप सब कह रहे हैं सेम है, कोई डिफरेंट कहने? डिफरेंस है. डिफरेंस किसने बोला? कंज्यूमर कंज्यूम करता है. मैंने मैंने कौन? व्हाट्स योर नेम? मयंक. मयंक, हाँ जी मयंक, बताइए क्या डिफरेंस है? मैम कंज्यूमर वो होता है जो उस गुड्स को मतलब लास्ट में कंज्यूम करे, लेकिन कस्टमर ऐसा भी हो सकता है उसका आगे यूज करके सेल भी करे या तो फिर कुछ और उसको प्रोसेस करके किसी और तरीके से बेचे. कस्टमर वो भी हो सकता है. कुछ और? ठीक है, कुछ और बताइए. कुछ और है कोई डिफरेंट कहने वाला मयंक के अलावा? सिमरन, अंकुर, कोमल, प्राची? मैम कस्टमर चीजें खरीदता है बट कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है. एग्जैक्टली यही चीज मुझे सुननी थी. कस्टमर कौन होता है? जो गुड्स को खरीद रहा है, परचेजर ऑफ गुड्स. ऐसा जरूर. और जो उन गुड्स को कंज्यूम कर रहा है वो कौन होता है? कंज्यूमर. कंज्यूम कर रहा है. जैसे कि अगर आपकी मदर ने कुछ आपसे मंगवाया, मार्केट से कौन ला रहा है वो प्रोडक्ट? आप ला रहे हो, तो आप क्या हुए? कस्टमर. कस्टमर हुए ना, क्योंकि आपने वो गुड्स परचेज की है लेकिन अपने यूज के लिए नहीं, अपने घर के, अपनी मदर के यूज के लिए. इज दैट क्लियर? कंज्यूमर कौन हुआ? जो उस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है वो आपकी मदर, जरूरी नहीं है वो कस्टमर भी हो, वो कंज्यूमर हो सकती है जो उस गुड्स को कंज्यूम कर रही है. कस्टमर और कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं. हो सकता है आपने ही गुड परचेज की है अपने ही यूज के लिए, तो कस्टमर और कंज्यूमर उस केस में सेम होते. इज दैट क्लियर? यस मैम. मयंक क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस मैम. बाकी सबको? यस मैम. ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं. हमने फिफ्थ पॉइंट कवर किया था, टू इंश्योर बिजनेस डेवलपमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज, सिक्स्थ पॉइंट इज ह्यूमन बेटरमेंट. ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जितने भी वर्कर हैं, वर्कफोर्स हैं, वो सब ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि चीजें ऐसे प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेटेड हो, मैनेज हो, जिससे वर्कर्स को हर काम करने में इजी रहे, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड हो, सेफ्टी का माहौल हो, जिससे वो सेटिस्फेक्शन फील करे और लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहे. इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन बीइंग के बेटरमेंट के लिए भी मैनेजमेंट जरूरी है. ह्यूमन बीइंग वर्कर भी हो सकते हैं और कस्टमर भी, कि आज काम प्रॉपर तरीके से मैनेज होगा, क्वालिटी वाइज गुड्स प्रोड्यूस होंगे, टाइम पे प्रोड्यूस होंगे, जिससे कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा. इज दैट क्लियर? यस मैम. सेवेंथ पॉइंट इज मैक्सिमम टू इंक्रीज या टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट.
मीन्स मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करना. विदाउट मैनेजमेंट से क्या प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकता है? हो सकता है? यस मैम. बिना मैनेजमेंट के प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकता है? नो मैम. नो मैम. नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, काम प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है, किस वर्कर को क्या काम करना है, कौन किस टाइम पे कर रहा है नहीं कर रहा. अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो यही सब चीजें होंगी ना. यस मैम. ठीक है, तो टाइम पे क्या प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे वो. विदाउट मैनेजमेंट में प्रोडक्शन ही पॉसिबल नहीं है. तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम विदाउट मैनेजमेंट नहीं कर सकते. तो इन चीजों के लिए हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. एनी डाउट रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स? नो मैम. कंटिन्यू करें मैम, एक बार पीछे स्लाइड कर दूं. ओके. मैम डन. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं. ये भी डन हो गया ये पेज? यस मैम. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए हैं तो इम्पोर्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इन चीजों को ही आप थोड़ा सा चेंज करके अगर आप लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव बन जाता, इम्पोर्टेंस बन जाती है. इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है इम्पोर्टेंस में? Helps in achieving group goals. Goals क्या होते हैं? मैम जिसके लिए बिजनेस बनाए जाते हैं. Means मतलब objective. Right? Yes ma'am. Yes ma'am. ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव तो सेटअप हो ही नहीं सकता ना. कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसे वो अचीव करना चाहता है. तो यहाँ पे ग्रुप गोल्स की बात कर रहे हैं. जरूरी नहीं कि बिजनेस पूरे बिजनेस का गोल हो. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं. जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उसके जो वर्कर्स हैं वो भी ग्रुप है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के जो वर्कर हैं वो भी ग्रुप एक ग्रुप की तरह है. सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सबका अपना अपना गोल होता है. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टाइम पे और मैक्सिमम प्रोडक्शन करना मिनिमम वेस्टेज करते हुए, राइट? यस मैम. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टाइम पे मार्केटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट करना. वैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट का टाइम पे सेल्स एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेना. तो सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, यानी कि सबके अपने ग्रुप्स के गोल्स है. तो वो क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट उनमें हेल्प करता है ना. किस टाइम पे क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, किस टाइम पे रॉ मटेरियल मंगवाना है ताकि हम टाइम पे प्रोडक्शन कर पाए. कस्टमर को क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ डेट्स प्रोवाइड करते हैं कि इस डेट को हम आपको इतना फाइनल गुड्स प्रोवाइड कर देंगे. तो क्या ये बिना टाइम पे प्रोडक्शन किए बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल है? नहीं है. नो मैम. तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. सेकेंड इज increase efficiency. efficiency भी increase होती है management से. management से अगर worker, हर एक worker को पता है किसको क्या काम करना है, वो काम proper तरीके से coordinate होके manage होकर कर रहे हैं, तो वो satisfy होंगे, motivated होंगे, जिससे उनकी efficiency और increase होगी. क्योंकि उनको पता है सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, एक सिस्टमैटिक वे से काम कर हो रहा है, तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है. इज दैट क्लियर? यस मैम. थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस कॉस्ट. ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद तो ये चीज आप इजीली समझ सकते हो कि अगर हम वेस्टेज कम से कम, काम प्रॉपर तरीके से मैनेज होके हो रहा है, तो यानी कि वेस्टेज कम से कम हो रही है. यस मैम. मिनिमम वेस्टेज की हेल्प से अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मींस ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है ना. पर यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. यस मैम. जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अचीव करने में हेल्पफुल होगी.
फोर्थ पॉइंट इज वही जो हमने करेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जेक्टिव में किया था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये चीज भी क्लियर हो गई होगी आप सबको. ये पॉइंट हम सेम कर चुके हैं. यस मैम. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कर चुके हैं. यस मैम. बिजनेस डेवलपमेंट ग्रोथ. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हमने यहाँ पे रिड्यूस कॉस्ट किया था. अगर आपको पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं तो आप ये भी लिख सकते हो. थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ऑलमोस्ट आप डिस्क्राइब सेम तरीके से कर सकते हो. मिनिमम वेस्टेज. एंड द सेवेंथ पॉइंट इज एनक्रेज टीम वर्क. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग टीम बनाई जाती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है. काम प्रॉपर तरीके से मैनेजेबल वे में हो रहा होगा तो टीम वर्क को वो एनक्रीज करेगा. टीम क्या होती है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करती है. अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो कुछ भी, ना तो टीम वर्क होगा, ना एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वर्कर भी डिससैटिस्फाई होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में खुश होकर फुली एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. लास्ट क्या लिख सकते हैं हम, इंक्रीज सेटिस्फेक्शन. Of employees. Any doubt regarding these points? No, ma'am. Continue kare? Yes, ma'am. Okay. Now, next topic is nature of management. अगर आप लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा है तो आप लोगों ने सुना होगा साइंस एंड आर्ट. यस मैम. क्या आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड से? यस मैम. गुड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट की. नॉर्मल आर्ट देखा जाए तो आर्ट क्या होता है मैम? जिसमें टैलेंट हो. टैलेंट हो, एग्जैक्टली. मींस आर्ट में क्या होता है, नॉलेज एंड स्किल्स, इनकी रिक्वायरमेंट होती है. यस मैम. जैसे एक पेंटर है, वो एक पिक्चर बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है, हर कोई तो नहीं कर सकता. यस मैम. उसे उस काम की नॉलेज है कि कैसे, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए उसके लिए, और किस तरीके से बनानी है. स्किल्स भी हैं उसके बाद, जो हर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता. जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो कुम्हार होता है, वो मिट्टी के घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, क्या ये सब कर सकते हैं? नो मैम. नहीं कर सकते. वो भी एक आर्ट है कि उसके पास नॉलेज है उस चीज की और उसके पास स्किल्स है. सबके पास अपने अपने स्किल्स होते हैं लेकिन आर्ट के लिए अपनी अलग ही नॉलेज और स्किल्स होती है. तो हमने क्या करना है, बताना है कि क्या मैनेजमेंट भी एक आर्ट है. यस मैम. क्योंकि मैनेजमेंट में भी नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि आर्ट में होती है. सेम नहीं लेकिन नॉलेज और स्किल्स तो चाहिए ना कि काम को कैसे मैनेज करना, किस किस कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम लगा सकते हैं, कैसे वर्कर्स को मोटिवेट करना है, कैसे उनकी स्किल्स इंप्रूव करनी है. और मैनेजमेंट करने की स्किल्स भी हर एक के पास नहीं होती. जैसे कि एक मैनेजर होता है,
उसको काम को मैनेज करने की नॉलेज ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू वर्कर्स लेबर? यस मैम। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं? आर्ट। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, हम वर्कर्स को क्या पे करते हैं? वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरीज, किसने बोला? मयंक। मयंक, राइट। आपने बोला कि हम वर्कर को वेजेस और सैलरी पे करते हैं, क्या ये दोनों चीजें सेम है? नो मैम। नो मैम। नो मैम, पहले खुशी ने बोला नो मैम, मैम कोमल ने। कोमल, हाँ जी कोमल, बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप कह रहे हो सेम नहीं है तो क्या डिफरेंस है? मैम सैलरी जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को मिलते हैं, और वेजेस जो होते हैं वो वर्कर को मिलती है। जैसे कि वेजेस हो गई दिहाड़ी और सैलरी हो गई कि हमें किसी प्रोफेशनल स्किल्स के लिए सैलरी दी जा रही है। ठीक है, एक तो एम्प्लॉय और वर्कर सेम होते हैं, वर्कर वैसे आप उसको बोल रहे हो कि जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, हाँ, टूर टाइप। वर्कर्स हम नॉर्मल एम्प्लॉयज को भी बोल सकते हैं, वी आर द वर्कर्स इन अ कंपनी। तो फर्क क्या होता है वेजेस और सैलरी में? अगर आपने अकाउंट्स बनाने सीखे होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉमर्स बैकग्राउंड हो तो आपने ये सब किया होगा। यस मैम। तो उसमें अगर आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, दोनों को हम अलग अलग अकाउंट में शो करते हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। वेजेस जो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें फर्क क्या है? आपने सही बताया, वेजेस को हम यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो मजदूरी बोलते हैं, डेली वेजेस जो आपने सही बोला दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिनको हम आर्ली पे करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें वर्कर्स को आर्ली पे किया जाता है, डेली वेजेस दिए जाते हैं कि आज काम करवाया, जरूरी नहीं है कि वो वर्कर कल भी आ रहे हैं, जितने घंटे वो काम करेंगे उतना उनको पे किया जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। वो होती है वेजेस। सैलरी क्या होती है कि जो मंथली बेसिस पे देते हैं हम, जो वर्कर्स लगे हुए हैं सैलरी पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, एडमिन का काम देख रहे हैं, वो सैलरी होती है, वो ऑफिस के एक्सपेंसेस में जाती है, इसलिए दोनों में फर्क आता है। ये मजदूरी होती है, वो ऑफिस स्टाफ को पे किया जाता है सैलरी। क्लियर? यस मैम। Related to office. चलिए ये चीज भी क्लियर है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। आर्ट की बात तो हमने कर ली, अब हम बात करते हैं साइंस की। अब मुझे बताइए कि मैनेजमेंट एक साइंस है? यस मैम। कैसे, साइंस में क्या होता है? मैम साइंस में सारे काम सिस्टमैटिक मैनर से होते हैं कि मतलब फर्स्ट लेवल पहले क्लियर, फिर सेकंड, फिर थर्ड। वैसे मैनेजमेंट में भी करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। एग्जैक्टली, साइंस में क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ टेस्टिंग होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट? यही होता है ना? यस मैम। तो वैसे ही मैनेजमेंट के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो काम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए वो फॉलो करने जरूरी हैं। इसीलिए हम मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस बिकॉज it has to deal with the people, and very difficult to predict behavior. ये कहता है कि मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट को लोगों से डील करना पड़ता है, वर्कर्स से डील करना पड़ता है। वर्कर्स है, कस्टमर्स हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की बात करते हैं तो दोनों में ही इसको ह्यूमन बींग से डील करना पड़ता है। अगर इंटरनल की बात करें तो वर्कर्स तो वर्कर्स, एम्प्लॉइज तो है ही है। इज दैट क्लियर?
यस मैम। और यहाँ पे क्या होता है, उनका बिहेवियर, सभी वर्कर्स का बिहेवियर अलग अलग होता है। इंटरनली उनकी साइकोलॉजी क्या कह रही है, उनकी सोच कैसी है, थिंकिंग कैसी है, सबको हम प्रॉपर तरीके से प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना। नो मैम। तो ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, इसीलिए हम इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते। लेकिन साइंस के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, वो सारी सिचुएशन में सेम से अप्लाई होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो मैनेजमेंट को आप सॉफ्ट साइंस कह सकते हो, क्योंकि इसके हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है साइंस की तरह। ठीक है, एक फेमस जर्मन थ्योरिस्ट ने इसको बोला था सॉफ्ट साइंस, क्योंकि इसके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे कंटिन्यू की करें। यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब मुझे आप बताइए, बिजनेस और प्रोफेशन सेम होते हैं? नो मैम। किसने बोला? कोमल, खुशी मैम, सिमरन ने बोला। सिमरन, हाँ जी सिमरन, बताइए। मैम प्रोफेशन के मतलब उसके लिए डिग्री होती है प्रोफेशन के लिए। हाँ जी, बिजनेस के लिए? मैम बिजनेस तो मैम वो तो मैम कोई भी चला सकता है। कोई भी चला सकता है, ठीक है। होती है बस पैसों की, पैसे होते हैं, ठीक है। प्रोफेशन कौन 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 हो सकता है प्रोफेशन? मैम डॉक्टर, सीएस, डॉक्टर या तो फिर इंजीनियर। जो प्रोफेशन होता है, जिस प्रोफेशन में जाते हैं उसके लिए हमें पर्टिकुलर टाइप की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बिजनेसमैन तो कोई भी बन सकता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, आपको पता है उनकी स्टडी कितनी है? नो मैम। कोई कुछ ऐसे भी हैं जो कि मैट्रिक पास है, ट्वेल्थ पास है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर डिग्री ली हुई है, लेकिन वो बिजनेस में फेमस है कि बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं, मैनेज अच्छे से कर सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर है, इसलिए वो बिजनेसमैन है। लेकिन क्या प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि हम बिना डिग्री के उस प्रोफेशन में एंटर कर जाए? नो मैम। नो मैम। जो प्रोफेशन की डिग्री लेते हैं उसे हम प्रोफेशनल बोलते हैं, ये तो सब आपको पता ही है। यस मैम। प्रोफेशनल कौन कौन सकते हैं? सी ए, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है। इनको अगर ये डिग्री लेनी है, इनको नॉलेज होना जरूरी है? यस मैम। स्किल्स भी होनी जरूरी है इनके लिए, इनको ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट ट्रेनिंग, सिर्फ स्टडी करके बिना किसी ट्रेनिंग के ये अपने इस काम को नहीं चला सकते, सर्विस नहीं दे सकते। डॉक्टर कहे कि मैंने स्टडी कर ली है, 5 साल पूरे कर रही है, चलो मैं जाके डॉक्टर की सीट पर बैठ जाता हूँ, ऑपरेशन करूंगा, क्या पॉसिबल है? नो मैम। तो डॉक्टर के लिए उनका जो फाइनल ईयर होता है उनका ट्रेनिंग बेस्ड ईयर है, इसको इंटर्नशिप बोलते हैं। तो वहां पे वो काम को सीखते हैं, एक हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, वहां पे ऑपरेशन कैसे किया जाता है, चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, हेल्पर की तरह काम करते हैं। उसके बाद वो एक कुछ टाइम के बाद एज अ डॉक्टर अपॉइंट होते हैं। Is that clear? Yes, ma'am. तो प्रोफेशनल बनने के लिए हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन से कंपेयर कर रहे थे, तो प्रोफेशन के लिए एक सिस्टमैटिक बॉडी हम बात करते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड इज नीड फॉर लर्निंग, या फिर ट्रेनिंग कह सकते हो, ट्रेनिंग इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, हर कोई पर्सन
प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता बिना किसी डिग्री के, बिना किसी नॉलेज के. इज दैट क्लियर? यस. अगर बिजनेसमैन है, मान लो कोई पर्सन है, एक शॉपकीपर है, एक दिन वो नहीं आ पाया, तो वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर को उस दिन भेज सकता है कि चलो आज मेरी शॉप देख लेना. इज दैट क्लियर? यस मैम. लेकिन अगर हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, डॉक्टर है, वो किसी दिन नहीं आ पाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है किसी भी रीजन से, तो क्या किसी अपने फैमिली मेंबर को भेज सकता है कि मेरी जगह जाके ऑपरेशन कर देना? नो मैम. तो क्या इससे क्या होगा अगर वो ऐसा कर दे? तो सामने वाले बंदा बचता हुआ भी नहीं बच पाएगा. तो ये चीजें दोनों डिफरेंस होती है बिजनेस और प्रोफेशनल में. यानी कि प्रोफेशनल का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव. कि सबसे पहले इनका मोटिव होता है कि सर्विस. जैसे डॉक्टर है, उसका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों को ट्रीट करना. सेकेंडरी मोटिव नॉर्मली उनका रहता है कि मनी अर्न करना. लेकिन आजकल क्या हो गया, चीजें बिल्कुल चेंज हो गई है. अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, सब बिजनेस बन गए हैं. ये सब आपको पता ही है ना, कोरोना के टाइम में आप सबने देखा होगा हॉस्पिटल्स ने क्या क्या किया था. यस मैम. इज दैट ओके? तो हम ठीक है, प्रोफेशन को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन की तरह है, जिसके लिए एक नॉलेज का होना जरूरी है, ट्रेनिंग की, लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है. अगर मैनेजर बनना है, हमें चीजों को मैनेज करना है, तो हमें उसे सीखना पड़ेगा. तो हर कोई पर्सन इसमें एंटर नहीं कर सकता. तो सर्विस मोटिव, इसका भी मैनेजमेंट का रोल क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, लोगों को सर्विस फेयर तरीके से, गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट की चीजें प्रोवाइड करना. तो मैनेजमेंट को भी हम कुछ हद तक प्रोफेशनल प्रोफेशन बोल सकते हैं. इज दैट क्लियर? यस मैम. चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अभी हमारे पास टाइम है, 5 मिनट्स ही बचे हैं. कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप उसे फिर से पूछ सकते हैं. 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, कोई मना नहीं है इस चीज के लिए. ठीक है? ओके मैम. चलो हम नेक्स्ट करते हैं, मैनेजमेंट फंक्शन. ये तो सबको पता होगा. सबसे पहला फंक्शन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, प्लानिंग. सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइज. थर्ड इज स्टाफिंग. फोर्थ इज डायरेक्टिंग. एंड नेक्स्ट लास्ट वन कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग एग्जैक्टली. हाँ जी, ये जो होते हैं आपके जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये सीक्वेंस में ही आएंगे. ऐसा नहीं है कि आप प्लानिंग बाद में या कंट्रोलिंग पहले कर दो, या कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कंफ्यूज होकर, ऑर्गेनाइजिंग बाद में आ रहा है, स्टाफिंग पहले कर दी. यानी कि स्टाफिंग पहले कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग बाद में कर दिया, ऐसा हो सकता है? नो मैम. ये चीजें सीक्वेंस में ही चलेगी. जहां प्लानिंग है, प्लानिंग फर्स्ट पार्ट पे आता है, तो वो फर्स्ट पे ही रहेगा. ऑर्गेनाइजिंग सेकंड, स्टाफिंग थर्ड, डायरेक्टिंग फोर्थ, कंट्रोलिंग फिफ्थ. अगर आपको इसको लर्न करना है, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज, एग्जाम का टाइम आता है तो कंफ्यूज आते हैं कि थर्ड नंबर पे कौन सा पॉइंट था. तो आप इसको ना एक फर्स्ट अल्फाबेट से लर्न कर सकते हो, पोस्ट डीसी. सिर्फ इसको लर्न करो, आपको सीक्वेंस लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. पी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. तो ये सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट फंक्शन हम प्लानिंग की बात करते हैं. अगर प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का इंडिस्पेंसिबल फंक्शन है, जिसे हम मैनेजमेंट से अलग नहीं करते. प्लानिंग आपको क्या लग रहा है, हम प्लान क्यों करते हैं? किसके, पास्ट को देखते हुए, फ्यूचर के रिगार्डिंग? फ्यूचर. एग्जैक्टली. प्लानिंग जो भी की जाती है वो फ्यूचर को ध्यान में रखकर की जाती है. ठीक है, फ्यूचर में हमें क्या ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होता है, तो वो देखते हैं कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करने के लिए, यानी कि किस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है. प्लानिंग में क्या होता है, व्हाट टू डू,
हाउ टू डू, फॉर हूम टू डू, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन पर्सन किस काम को करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, हमारी मार्केट कैसी होगी, ये सब चीजें प्लान की जाती हैं प्लानिंग के अंदर. नॉर्मली हम क्या क्या डिसाइड करते हैं प्लानिंग में, ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, और क्या कर सकते हैं हम, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोग्राम और बजट, ये सब चीजें हम प्लानिंग में देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, पॉलिसीज क्या रहेंगी, रूल्स क्या रहेंगे, प्रोग्राम क्या रहेंगे, बजट क्या रहेगा. क्या विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी काम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमारा प्लानिंग का काम ना हो. इज दैट क्लियर? यस मैम. प्लानिंग हो गई तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हम सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, मींस कि इसमें क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट. कितने तरह की पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितनी पोस्ट होंगी, कितने वर्कर्स वहां पे करेंगे, किस किस स्पेशलाइजेशन वाला वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, कितने कितने हमें वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब हम काम कहाँ पे करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में. यहाँ पे वर्कर्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम पोस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमने कितनी पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में रखी है जिसके लिए हमें वर्कर्स को रिक्रूट करना है. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का काम हो जाता है तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है स्टाफिंग. यही आता है? यस मैम. ये क्या होता है? रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स को डिफरेंट डिफरेंट पे पोस्ट पर रिक्रूट कर देना, उनकी भर्ती कर देना, जिस पोस्ट पर जिस स्पेशलाइजेशन वाले वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है उसे उसी पोस्ट को, उसी स्किल्स को देखते हुए उसे वैसे ही पोस्ट पर रिक्रूट किया जाता है. क्या बिना ह्यूमन बीइंग के काम पॉसिबल है? हम क्लास कितनी देर से चल रही है? क्लास आपकी 3:00 स्टार्ट हुई थी, 3:10 पे स्टार्ट हो गई, 3:05:10. हम शेड्यूल में 4:05 की क्लास लिखी हुई है. मैंने भी अभी ज्वाइन करी है. हम तब भी मैंने अभी अभी ज्वाइन करी है. क्या नाम है आपका? आफिया. 4:05 मैम. यस आफिया. आफिया, हिमांशी एंड आफिया. चलो मैं बाकी क्लास करते हैं, फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ये जो स्टूडेंट्स थे इंजीनियर